कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IBPS गाइड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे LIC AAO मेंस के लिए डे नंबर 10 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं डे 9 तक आपको वीडियो कवर करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो जो आज के सेशन है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके पास लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, ये आपका पार्टनरशिप से बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं। क्या कह रहा है, अरविंद गणेश एंड थ्यागू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 24,000, 30,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपके पास 3% है, इन तीनों परसेंट ने अलग अलग अमाउंट है किसी एक बिजनेस में स्टार्ट किया है, उसमें इन्वेस्ट किया, जैसे 24,000, 30,000, 36,000। अब आगे क्या कह रहा है, अरविंद इज ए वर्किंग पार्टनर एंड गणेश एंड थ्यागू इज ए आर स्लीपिंग पार्टनर इन ए बिजनेस। यानी कि एक जो वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये है कि वो जो अरविंद है वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, यानी कि वो हमेशा उस बिजनेस को संभालने का काम करता है, और जो बाकी 2% है इन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वो क्या कह रहा है, जो अरविंद इसने अगर वर्किंग पार्टनर है तो इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 10% वो भी रखेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 रुपए उसको प्रॉफिट होता है, उसका 10 रुपए पहले तो अरविंद निकाल लेगा क्योंकि उसने काम किया, उस बिजनेस को मैनेज किया है, और बचे हुए 90 रुपए उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग अलग उनमें डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इतना कहने का आपका मतलब है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि जो आपको डिफरेंस बताना है अरविंद और थ्यागू की, जो इन्वेस्टमेंट थी यानी जो टोटल प्रॉफिट इनको मिलता है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, जबकि टोटल प्रॉफिट है एक साल के बाद 72,000 रुपए है आपके पास। क्वेश्चन इजी है, थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या गिवन है, टोटल प्रॉफिट भी गिवन है, तो इन तीनों की हमें यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है हमें पता है, तो यहाँ पे देखिए अरविंद का कितना है, कितनी अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया, 24,000। ठीक है, फिर आपका गणेश है, इसने कितने किए है, 30,000, और देन कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, 36,000। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इन वैल्यूज को काट दीजिए, इजी है, क्योंकि इसने देखिए कहीं भी ये वैल्यू नहीं कर दे हुई आपको कि वैल्यू चेंज करते हैं, यानी कंप्लीट वैल्यू आपको दे रखी है, आप ओरली भी इसको सोल्व कर सकते थे। देखिए 3 जीरो से, तो 3 जीरो काट दीजिए पहले, सबसे पहले तो ठीक है कट के। अब ये देखिए किस वैल्यू से कट रही है, 6 से कट रहे हैं ना सभी के सभी, 6 चौका 24, 6 पांच 30 और 6 छह 36, यानी हमें इनका प्रॉफिट का रेशियो पता लगा, 4:5:6। ठीक है, अभी यहां तक आपको क्लियर है। अब इसने क्या कहा था कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 10% कौन रखेगा, अरविंद रखेगा। क्लियर है, इतना समझ आया। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट अगर 10% ये टोटल प्रॉफिट का अरविंद रखेगा, बाकी बचा कौन रखेगा, सीधी सी बात इन तीनों में अलग अलग इन्वेस्ट आपका डिवाइड किया जाएगा। टोटल प्रॉफिट था आपका 72,000, अगर 10% आपका अरविंद रख लेता पीछे कितना बचा, 90%, यानी 90/100। ठीक है, ये टोटल हमारे पास इसको सोल्व करोगे तब वो वैल्यू आ जाएगी जो इन तीनों में डिवाइड होगी। हमें किस किस का बीच का डिफरेंस बताना था, अरविंद और त्यागू के बीच का, तो यहाँ पे अरविंद 4 है और ये कितना, 6, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स का, यानी 2 पॉइंट्स का टोटल कितने पॉइंट है, 6 5 11 + 4 15, ये आपके पास वैल्यू है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 एकम 15 15 6 90, 6 2 12 यानी 720 की आपको किससे गुना करनी है, 12 से गुना करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे जाके एक चीज आपको करनी पड़ेगी, पहले इसको सोल्व कीजिए, 0 से 0 12 2 24 कितना कह रही हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे 12 7 84 + 2 86, यानी कितना बन गया, 8640 रुपए, 8640 रुपए इनका डिफरेंस है, बट ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, इसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा था ना, अरविंद का और इसका, अरविंद को 10% इसका वर्किंग जो पार्टनर है उसका भी तो मिलता है, तो 10% कितना है, 72,000 का 7,200, तो ये भी तो इसमें से माइनस करेंगे ना, तो ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा, 0 4, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, यानी 1440, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने 7200 माइनस क्यों किया, क्योंकि अरविंद को 10% जो टोटल प्रॉफिट होता उसका मिलता था क्योंकि वो इस बिजनेस को मैनेज करता था, इसीलिए। ठीक है, ये डिफरेंस ऐसे निकलेगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, अदरवाइज आपके पास एक अल्टरनेट ये है कि आपके पास 72,000 रुपए था टोटल प्रॉफिट, उसमें से पहले 7200 माइनस करते क्योंकि वो 10% अरविंद को मिलता है, जो बची हुई अमाउंट थी वो पहले आप अरविंद की निकालते, फिर इसकी निकालते, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक स्मार्ट वर्क नहीं कहलाता, इसलिए इस मेथड से हम इजिली कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इज 5/4 टाइम्स एज एफिशियंट एज ए,
If A can fill the 3/5 of the tank in 15 minutes, what fraction of the capacity of the tank would remain incomplete if B can fill the tank independently for 10 minutes only? Question easy है, सबसे पहले इसकी language को समझिए। क्या कह रहा है? B है वो 5/4 time efficient है A के comparison में। अगर मैं कहूँ A और B की efficiency निकाल सकते हो यहाँ से आप? A और B का efficiency निकाल सकते हो क्योंकि इसने कहा है B is 5/4 times efficient as A। यानी कि A की कितनी efficiency है? 4 है और B की कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है? अब क्या कह रहा है? A can fill the tank 3/5 of the tank in 15 minutes। अगर A है 3/5 टैंक है, भरने में 15 मिनट लगाता है, ठीक है? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। What fraction of the capacity of tank would remain incomplete if B can fill the tank independently for 10 minute only? आपको बताना कि कितना काम है वो पीछे रह जाएगा जबकि अगर B अकेला इसको 10 मिनट तक भरने का काम करे, ठीक है? देखिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ चुका है। अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम क्या होगा? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप सभी को पता है, 5:4, ठीक है? क्लियर है? अगर ए इसने कहा कि 3/5 है, 15 मिनट में भरता है, यानी 3 पॉइंट्स है, 15 मिनट में भरता है, तो ये टोटल कितनी देर में भरेगा? 25 मिनट में। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, तो 5 की कितनी आ जाएगी? 25 मिनट। यानी हमें पता लग गया कितने मिनट में भरेगा? 25 मिनट। अगर ए आपका कितना है टाइम? 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो ए की कितनी आ जाएगी? 5, तो बी का हमें टाइम पता लग जाएगा 20 मिनट, ठीक है? यानी बी कितनी देर में भरेगा इस कंप्लीट इस टैंक को? 20 मिनट में, ठीक है? अगर 20 मिनट में अकेला पूरा इस टैंक को भर सकता है, तो इसने कहा कि ये अकेला अगर 10 मिनट तक काम करेगा, तो सीधी सी बात, अगर 20 मिनट में पूरा भर रहा है, तो 10 मिनट में कितना भरेगा? सीधी सी बात है हाफ, तो यानी हाफ काम ये कर देगा और हाफ आपका पीछे बच जाएगा। तो ये थोड़ा सा इजी वन था, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? केविन प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स हर सन प्रेजेंट एज एंड 2/5 ऑफ हर फादर्स प्रेजेंट एज। यानी कि जो केविन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम हो गई, यानी 4 गुना हो गई उसके बेटे की एज से, ठीक है? और जो उसके फादर है उसकी एज का 2/5 होगी, ठीक है? इतना आपको क्लियर है? अब आगे देखिए, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 40 ईयर, ठीक है? इनकी जो एवरेज प्रेजेंट एज है सभी मेंबर्स की मिला के, इसके फादर, केविन के फादर, केविन के सन और केविन की 40 ईयर है, एवरेज दे रखी है, ये आपको ध्यान रखनी है। आपको आगे पूछा क्या है? द फाइंड द सम ऑफ द केविन सन्स प्रेजेंट एज एंड द केविन फादर प्रेजेंट एज। यानी उसके सन और उसके फादर की एज का हमें सम बताना है। इजी वन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इसको देखिए, समझिएगा। मान लेते हैं उसके बेटे की एज क्या है? एक्स, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, बेसिक से बता देते हैं। एक्स मान लिया हमने, तो इसने क्या कहा? केविन की एज उससे 4 टाइम्स है। अगर उसके सन की 4 एक्स है, तो उसके फादर यानी कि केविन की कितनी होगी? 4x होगी, क्योंकि उसके उसके कंपैरिजन में कितनी है इसकी? 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है, ठीक है? और उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? यानी केविन का जो फादर है उसकी एज कितनी हो जाएगी? अगर इसकी एज 2/5 है, ठीक है? क्या कहा था कि केविन की प्रेजेंट एज 2/5 है उसके फादर की एज की, यानी 2 पॉइंट्स की वैल्यू 4x है, तो 5 पॉइंट्स की कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, देखिए एक पॉइंट की कितनी हो जाएगी? 2, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 10x। यानी उसके हमें फादर की एज पता लग गई, कितनी होगी? 10x। क्लियर है यहां तक, ठीक है? और इनकी जो एवरेज हमें दे रखी है 40 ईयर, 3 मेंबर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 40 दिया 120, यानी एक्स प्लस 4x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120, ठीक है? अब तो सोल्व कर लोगे, 10 प्लस 14 प्लस 1 यानी 15x, ठीक है? 15x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से? 8, ठीक है? 15 8 120 होते हैं 8, ठीक है? तो x की वैल्यू अगर 8 आ गई, तो हमें किस किस की पूछी थी? केविन के बेटे की और केविन के फादर की, ठीक है? तो इसकी 8 हो गई और ये कितना हो जाएगा? 10 8 जा 80, यानी 80 प्लस 8 यानी 88 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। इजी वन था, कुछ हार्ड नहीं था, स्टेप टू स्टेप किया है, बेसिक मेथड से किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने मास्टर ट्रिक वाले क्वेश्चन में भी करवाया था। इसको करने के 2 मेथड है, मैं आपको बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, जो एलिगेशन रूल जो अप्लाई होता है उससे भी बताऊंगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 45 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 12, ठीक है? यानी कि कोई एग्जाम था उसमें 45 स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है? इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट आर 14 एंड दैट ऑफ द फेल स्टूडेंट आर 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर जो टोटल आपको पता लगे स्टूडेंट 45 है और जो एवरेज निकल के आती है मार्क्स की वो 12 निकल के आती है, 12, जबकि जो पास स्टूडेंट है उनकी एवरेज है 14 और जो फेल स्टूडेंट है उनकी एवरेज है 5, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो पास हुए उस एग्जाम में। सबसे पहले जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो एलिगेशन मेथड होना चाहिए। देखिए पास्ट टू पास्ट की जो एवरेज है वो कितनी है? 14 है। फेल की एवरेज कितनी है? 5
5 है और ओवरऑल जो एवरेज निकल के आती है इन सभी की कितनी है 12, तो ये आपका एलिगेशन रूल अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, इतना ही तो आपको करना था। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 7, और 14 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, यानी 7:2, यानी आपके पास और फेल स्टूडेंट इस रेशियो में डिवाइड होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 45, और ये टोटल कितने पॉइंट है 7 + 2 9, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पास की, पास कितने है 7, तो 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, यानी 5 × 7 = 35, यानी 35 स्टूडेंट आपके पास होंगे। अगर आपसे फेल पूछता तो यहाँ 7 की जगह 2 मल्टीप्लाई कर देते, यानी 10 स्टूडेंट आपके फेल होते। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। मैक्सिमम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता अगर आपकी अप्रोच सही है तो। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक मेथड की। बेसिक मेथड से कैसे करोगे, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45, उनके एवरेज कितने निकल के आती है 12। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने मान लिया जो पास स्टूडेंट है वो x है, तो उनके एवरेज कितनी थी x × 14, तो फेल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, अगर टोटल स्टूडेंट 45 हैं, अगर मैं उसमें से x माइनस कर दूं, यानी कि जो स्टूडेंट पास है वो माइनस कर दूं, तो पीछे कितने बचेंगे, सीधी सी बात है फेल स्टूडेंट बचेंगे। ठीक है, यानी मैं फेल स्टूडेंट कितने हुए 45 माइनस x, और उनकी एवरेज कितनी है 5 है। इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। आई होप क्लियर है। 12 × 5 = 60, 6 × 12 = 48 + 6 = 54, यानी 540। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 14x प्लस, अब 45 की 5 से कीजिए आप 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 20 + 2 = 22। ठीक है, -5x, ये 225 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 25 गए तो बचते हैं 15, और यहां पे आपका कितना हो जाएगा 315। ठीक है, इज इक्वल टू ये 14x, ये माइनस का 5x है, कितना हो जाएगा 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको 9 से कैंसिल आउट कीजिए, 9 × 3 = 27, कितना बचेगा 27 के बाद 4, 9 × 5 = 45, यानी x की वैल्यू आपके पास 35 है, यानी जो पास स्टूडेंट थे वो x माने थे, वो वैल्यू आपकी आ गई 35। तो दोनों मेथड आपके पास है, बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एलिगेशन की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपके पास कम होता है, और ये वाला आपको पता होना चाहिए बेसिक मेथड। ठीक है, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं पता है तो ये चीजें आपके लिए काफी हेल्प नहीं रहेंगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में मान लीजिए आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो, आपको चीजें माइंड में स्ट्राइक नहीं की, आपको समझ नहीं आया कि एलिगेशन रूल लगेगा कि नहीं, तो एटलीस्ट आप बेसिक से तो कर पाओ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, अब एक डीआई डिस्कस करेंगे, इजी वन है, ज्यादा मैंने कहा कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि काफी टाइम के बाद आपकी क्लास हुई है तो इजी चीजें आपके लिए रखी है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए, यानी एक डीआई है। यहाँ पे एक पाई चार्ट आपको शो कर रखा है, और जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं 6 अलग-अलग परसेंट्स वो दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी टोटल डिस्टेंस गिवन है 5600 किलोमीटर, यानी 5600 किलोमीटर, उसमें पी करता है 15%, क्यू है 12%, आर है 18%, तो ये परसेंटेज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग आपके नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग, और 6 आपके पास अलग अलग पर्सन है। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पहला क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है, इजी वन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, देन इस वीडियो को आप देख सकते हो। सबसे पहले देखिए क्या कहा है, P travel for 60 km per hour, after traveling for 2 hour, P triple his speed, then find the total time taken by him to reach that destination, यानी कि P है वो 60 km प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, लेकिन 2 घंटे बाद वो जो अपनी स्पीड है वो ट्रिपल कर देता है, यानी 3 गुना कर देता है, तो बताइए कितना टाइम लेगा वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। देखिए अगर पहले P की बात हुई है तो P की ये तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, अगर देखिए 15% है, 15% 5600 का निकालना, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे आपको पता है डिवाइड बाय 100 करोगे 5600 की 2 जीरो कट जाएंगे, यानी सीधा आप क्या करो 15 और 56 की गुना कर दो। ठीक है, 15 और 56 की गुना कैसे करोगे, 15 × 6 कितना होता है 90, ठीक है कितना कैरी हो जाएगा 9, ठीक है 15 × 75, 75 + 9 कितना हो जाएगा 84, ठीक है यानी 840 किलोमीटर, यानी इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 840 किलोमीटर करनी है। अब ये 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, यानी कि इसने 2 घंटे में कितना कर लिया 60 × 120 किलोमीटर, तो पीछे कितना बच गया आपका, यानी कि आपका बच गया 720 किलोमीटर। अब 720 किलोमीटर इसको कवर करना है, इसने अपनी स्पीड कर ली ट्रिपल, 60 की ट्रिपल कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 720 कवर करने हैं, इसकी स्पीड हो गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 0 18 × 18, 18 × 4 = 72, यानी 4 घंटे लगाएगा ये अभी। ठीक है, अब ये 4 घंटे लास्ट वाले लगाएगा बची हुई डिस्टेंस कवर करने में, और पहले इसने कितने लगाए थे 2 घंटे, क्योंकि पहले 2 घंटे 120 कवर भी तो करता है ना, तो टोटल कितने घंटे लगे इसको 6 घंटे लग गए। ठीक है, तो इसने टोटल टाइम पूछा है, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं रीड डाउन करते। अब मान लीजिए आपको 4 ओवर्स आ गया, आप क्या करोगे, आपने ऑप्शन ए देखा वो टिक कर दोगे सीधा, वो गलत हो जाएगा, आपसे टोटल टाइम पूछा है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को भी देखना क्वेश्चन की, कई बार हम जल्दी जल्दी में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए क्या कह रहा है, यू ट्रेवल
on 56 km per hour to reach the place on time. After traveling for 2 hours, he realized that he had missed the important document in the starting point and returned back to the place and take the documents and began his traveling with the increased the speed and reached the destination on time. How much speed increased by him? Question easy hai. Sabse pehle aap question ko samajhiye. You hai कि आपका जो ट्रैवल करता है वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 2 घंटे को इसको चलने के बाद इसको याद आया कि इसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भूल गया, ठीक है, ये मिस कर दिया इसने उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो अब ये क्या कर रहा है कि वापस जाएगा, जो इसने 2 घंटे ट्रैवल डिस्टेंस की वो वापस कवर करेगा और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिर वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा और फिर वो वहां से चलेगा अपने डेस्टिनेशन पर, यानी जो एंड पॉइंट था उस पर, और ये अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है, और वो उसी टाइम पे पहुंचेगा जो पहले उसको पहुंचना था। तो बताइए इसने कितनी स्पीड इंक्रीज की। क्वेश्चन को समझ गए होगे आप, आई होप। देखिए सबसे पहले अगर यू की बात करें, आप यू में देखिए कि इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है। अगर आप टेबल में देखोगे, सॉरी पाई चार्ट में देखोगे, तो इसको आपको पता है 14%, तो 56 को आपको सीधा क्या करना है, 47 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप 14% डिवाइड बाई 100 करोगे और फिर 5600 करोगे, तो आपको पता है 2 जीरो कटेंगी, तो सीधा आप क्या करो 14 और 56 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा ईजी रह जाएगा। चलिए अब यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 14 की 6 से करोगे यहाँ कैरी हो जाएगा 4 और देन आपका कितना हो जाएगा 78, ठीक है, 14 6 84, 14 5 70 प्लस 8 78, यानी 784 किलोमीटर इसको टोटल कवर करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसने 2 घंटे इसने ट्रैवल किया, तो देखिए अगर 2 घंटे ये मान लीजिए, एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये यहाँ से चलता है और 2 घंटे तक यहाँ तक पहुंचता है। अब इसको याद आएगा वो डॉक्यूमेंट भूल गया, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा, ठीक है, यानी 2 घंटे इससे जाते हुए लगते और 2 घंटे इसने फिर वापिस आते हुए लगे, तो टोटल इसको कितने घंटे वेस्ट हो गए, 4 घंटे, ठीक है। अब ये अगर ये 56 किलोमीटर की स्पीड से चलता और टोटल इसको 784 किलोमीटर कवर करने हैं 56 की स्पीड से चलता, तो कितने घंटे में कवर कर लेता, 14 आवर्स में। आप मेरे को आप कहोगे ये ओरली कैसे पता लगा, देखिए इसको डिवाइड करोगे ना, 56 और 14 की मल्टीप्लाई ही 784 हुई है, तो दैट्स मीन की 14 से ही डिवाइड होगा, यानी अगर ये एक्चुअल अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता तो ये 14 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लेता। अब इसको टाइम कितना वेस्ट हो गया, 2 घंटे प्लस 2 घंटे यानी 4 घंटे, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट से 2 घंटे तक किसी पॉइंट पे गया, फिर ये वापस आया, यानी 4 घंटे इसके वेस्ट हो गए, यानी पीछे कितने बचे इसके पास, 10 घंटे। 10 घंटे में इसको कितने डिस्टेंस कवर करनी है, 784 किलोमीटर, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी, 784 किलोमीटर कवर करनी है 10 घंटे में, यानी 78.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, और पहले कितनी थी इसकी स्पीड, 56 किलोमीटर पर आवर थी। तो कितनी स्पीड इसने इंक्रीज की, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, यानी 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसने अपनी स्पीड इंक्रीज की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी था, कुछ हार्ड नहीं था, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते कि 2 घंटे जाते वक्त वेस्ट करता, फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता 4 घंटे, तो टोटल में से 4 घंटे माइनस करोगे, पीछे जो टाइम है उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, हमें पता लग जाएगा स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए उसको उसी टाइम पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ एस ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर ओवर एंड 64 किलोमीटर पर ओवर इन फर्स्ट एंड सेकेंड होवर रिस्पेक्टिवली एंड रीच द डेस्टिनेशन इन 19 आवर्स, then find the speed to cover the remaining distance। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे आपका 56 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 64 किलोमीटर प्रति घंटा पहले और दूसरे घंटे में चलता है, यानी कि पहले घंटे में चलेगा आपका 56 किलोमीटर, दूसरे में 64 किलोमीटर, और ये कंप्लीट जो आपकी डिस्टेंस है 19 घंटे में कवर कर लेता है। तो आपको स्पीड बतानी है कि बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में करता है, यानी जो जैसे कि पहले और दूसरे घंटे के बाद जो डिस्टेंस ये कवर करता है वो किस स्पीड से करता है, वो आपको ये बतानी है, ठीक है। देखिए अगर ये पहले घंटे 56 किलोमीटर करेगा, दूसरे घंटे 64, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 6 4 10, 1 कैरी, 6 5 11 1 12, यानी 120 किलोमीटर इसने कवर कर ली। टोटल इसको कितनी करनी थी, एस की बात हो रही है, तो एस को 24%, यानी कि आपको 56 की सीधी क्या करनी है, 24 से मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब टेबल याद है तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, 24 6 का कितना होता है 144, तो कितना कैरी हो जाएगा, 14 कैरी हो जाएगा, और अब आपका 24 5 कितना होता है 120, 120 की आप क्या करोगे 14 को ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा 134, यानी 1344 किलोमीटर, ठीक है, यानी इसको टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करनी थी, जबकि इसने पहले 2 घंटे में 120 कवर कर ली, पीछे कितनी बची 4 4 में से 2 गया 2 और 13 में से 1 गया 12, यानी अब इतनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है, और कितने घंटे में, अब 17 घंटे में, क्योंकि दो इसको टोटल कहा है कि 19 घंटे में पहुंचता है, 2 घंटे आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो पीछे कितने बचे 17 आवर्स, तो 1224 डिवाइड बाई 17, अब आपको स्पीड पता लग जाएगी, ठीक है, यानी 17 से इसको इजीली आप डिवाइड कर सकते हो। चलिए अब 17 से कितने टाइम चला जाएगा, 17 7 कितना होता है 119,
ठीक है, क्योंकि 17 साथ आपका 119 होता है और फिर 3 बच जाएगा, 17 दूनी 34, यानी 72 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है, चलिए इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन और इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज होती है, जैसे सेम क्वेश्चन आपका रीजनिंग और पजल्स में होता है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ मिस कर दो, यानी कि कुछ मतलब और समझ लो, तो क्वेश्चन को आपको पूरी पजल समझने में ही गलती हो जाती है। ठीक है, तो यही है आपका, अगर डीआई में थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो गई तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा। अगर क्वेश्चन समझ आएगा तो आप कुछ और ही आंसर निकाल पाओगे। तो थोड़ा सा अपना एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए, एक बार नहीं समझ आए तो दूसरी बार फिर से रीड कीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पी एंड आर टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टी एंड यू टुगेदर। देखिए आपको डिफरेंस बताना है कि पी प्लस आर मिलकर जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं और टी और यू के साथ। देखिए पी प्लस आर, पी अगर आप टेबल में देखोगे 15% है, आर है 18%, टोटल कितना हो जाएगा ये 33 किलोमीटर, 33%, ठीक है 33%। और टी प्लस यू की बात करते हैं, T कितना है 17% और U कितना है आपका 14%, तो ये कितना हो जाएंगे आपके 31%। ठीक है, यानी ये इन्होंने दोनों ने मिल, किसने 33%, PR ने, T और U ने 31%, तो इनका डिफरेंस पूछा था कितना है 2%, और 5600 का 2%, यानी सीधी सी बात है 56 दूनी कितना होता है, 56 की 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी 112 किलोमीटर, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे इसको इसी मेथड से करोगे ना तो इजी रहेगा। अब मान लीजिए पहले पी की डिस्टेंस निकालते कितने कवर कर रहा है, यानी 15% निकालते, फिर आर की निकालते, इन दोनों का सम करते, फिर आप टी का निकालते, फिर यू की निकालते, फिर उनका सम करते, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते। ठीक है, जब आपको जो टोटल वैल्यू एक ही में से दे रखी हो, जैसे आपको इस केस में है कि टोटल डिस्टेंस सेम है और परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सीधा सा आप इनका परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। चलिए तो एक ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्योंकि एक आपका अर्थमेटिक से था यानी वर्ड प्रॉब्लम थी, उसका आपका होमवर्क हो गया, और एक आपकी डीआई से था इसलिए एक आपका होमवर्क हो गया। चलिए आई होप आपको यहां तक सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। इसके अलावा ईयरली प्लेटिनम पैकेज है, ऑफ चल रहा है, उसको परचेज कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो भी आती है उसका नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है दैट्स मीन आपने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। और इसके अलावा कोई डाउट रह जाती है, जैसे कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, वो जितनी भी डाउट है वो आपके डेफिनेटली क्लियर की जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं और आपको लगता है कि किसी और को भी इन चीजों से फायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली आप शेयर का जो बटन है उसका यूज कर सकते हो, और जितने भी अपने फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आप सोशल हैंडल यूज करते हो उस पर शेयर कर सकते हो। और जो बाकी स्टूडेंट है जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट दे सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।